नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बेस्ट OTT वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जिससे एक से बढ़कर एक कंटेंट का कमी नहीं, और नेटफ्लिक्स जाना ही जाता है अपने कंटेंट से कुछ हटकर कुछ यूनिक और फ्रेश हमारे सामने लाने से। और नेटफ्लिक्स सीरीज देखना ही है तो क्यों ना इनमें से बेस्ट सीरीज को देखा जाए। तो आज के रिव्यू में हम लाए नेटफ्लिक्स जैसे इतने बड़े क्वालिटी कंटेंट के संबंध में से टॉप 5 बेस्ट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज, जिसे देखने के बाद खुद रियलाइज होगा कि नेटफ्लिक्स वर्ल्ड का बेस्ट OTT वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्यों है। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। तो चलिए नेटफ्लिक्स की क्वालिटी कंटेंट की दुनिया में जाते हैं। नंबर 5 की सीरीज लव, धोखा, ब्रेकअप, इमोशन, एक ऐसी सिंपल स्टोरी देखना चाहते हैं, थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन लेकर अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। 2021 की नेटफ्लिक्स की तरफ से रोमांस ड्रामा के साथ द एस्ट्रोलॉजिकल गाइड फॉर ब्रोकन हार्ट्स। सीरीज की स्टोरी इंटरेस्टिंग तो नहीं कहेंगे, पर इंटरटेन करने में कोई कसर हमें नहीं छोड़ती। ऐसी सीरीज कमाल की होती है, ब्रेकअप के बाद एक लड़की के लिए मूव ऑन करना, फिर लव गुरु से एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, फिर प्यार, इमोशन, ये सब देखकर सीरीज देखने का मजा बहुत आता है। सीरीज का सबसे खास बात लगी ओनली 6 एपिसोड का मिनी सीरीज, जिसके वजह से हमने सीरीज को पूरा देखा। बस सीरीज का नेगेटिव पॉइंट लगा बीच का कुछ एपिसोड थोड़ा फील कराती है, ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ और भी इंटरेस्टिंग सीरीज बनाया जा सकता था। बाकी सीरीज को देखिए, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वन टाइम मस्ट वॉच सीरीज है। नंबर 4 की सीरीज आपको हिला कर रख देगी। अगर आप एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर अपने दिमाग को चैलेंज करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए। 2021 की नेटफ्लिक्स की तरफ से दिमाग हिला देने वाली सीरीज क्राइम थ्रिलर के साथ द चेस्टनट मैन। की स्टोरी एक सन की सैको पागल शहर के लोगों को खतरनाक, ब्रूटल और बेरहमी तरीके से मार रहा है। हर एक मर्डर के बाद अगली विक्टिम को और भी बेरहमी और तड़पा तड़पा के मारता है। सीरीज की खासियत ही कुछ नया करने की कोशिश की है और लास्ट तक सस्पेंस बनाए रखने में कामयाब होती है। पर हर सस्पेंस थ्रिलर सीरीज की तरह इस सीरीज में भी आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, बस थोड़ा सब्र रखकर देखिएगा। सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 पे नेटफ्लिक्स ने हॉरर सीरीज का डेफिनेशन बदल कर रख दिया, जिसके एंडिंग समझने के लिए यूट्यूब का सहारा लेना पड़े। ऐसी सीरीज को समझने के लिए आपको अपने दिमाग को हाईएस्ट लेवल पे ले जाकर समझना होगा। नेटफ्लिक्स की तरफ से बेहतरीन हॉरर सीरीज में से एक 2018 की हॉरर थ्रिलर के साथ द हंटिंग ऑफ हिल हाउस। ये सीरीज में इतना दम है कि धीरे धीरे करके आपको अपने अंदर खींचती हुई ले जाएगी। एक टाइम पे जाकर आपको ये सीरीज आप पर हावी हो जाएगी। ऐसी हॉरर सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। सीरीज का सबसे खास बात है इसकी यूनिक हॉरर स्क्रिप्टिंग और डायरेक्टर की डायरेक्शन। सिर्फ कैमरा एंगल की मूवमेंट से ही आपको डरा देगी। बस इसके शुरुआत के कुछ एपिसोड पेशेंस रख कर देखिएगा तो ये सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हॉरर सीरीज हो सकता है। सीरीज नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। नंबर 2 की सीरीज अपने स्वीट एंड सिंपल स्टोरी टेलिंग और लीड एक्ट्रेस की एक्टिंग एज अ मदर कैरेक्टर आपको इमोशनल लेवल पे हिट करेगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से बेहतरीन सीरीज में से एक 2021 की दम। सीरीज की ब्यूटीफुल स्टोरी के बारे में क्या बताएं? जब एक कपल के बीच डिवोर्स होने के बाद एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर इस स्ट्रगल वाली दुनिया में अपनी बेटी के साथ जिस तरह से सरवाइव करती है, जब रहने के लिए कोई घर ना हो, एक माँ अपनी बच्ची को पेट भरने के लिए पूरे पूरे दिन काम करती है और उसे पैसे भी ना मिले। ये सब देखकर भाई आपके इमोशन को हाईएस्ट लेवल पे जाकर हिट करेगी। और खुशी की बात है नेटफ्लिक्स की तरफ से आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग सीरीज देखने का मजा दुगनी कर देती है। सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, एक ट्राई जरूर दीजिएगा इस सीरीज को। नंबर 1 की सीरीज, यार इसके बारे में क्या ही बताएं। अगर आप इस स्ट्रगल वाली दुनिया को भुलाकर रियलिटी वाली गेम की दुनिया में जाना चाहते हैं जिसमें कोरिया की इमेजिनेशन हो, तो ऐसी सीरीज हम ऑडियंस सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि फील करते हैं। 2021 की नेटफ्लिक्स की तरफ से ब्लॉकबस्टर सीरीज में से एक ड्रामा थ्रिलर के साथ स्क्विड गेम। सीरीज की स्टोरी एकदम सिंपल है, अपने स्ट्रगल लाइफ से हारे लोगों को पकड़ पकड़ कर एक एक टीम बनाकर बचपन वाली स्क्विड गेम खिलाना। लेकिन इसी सिंपल कॉन्सेप्ट को भी डायरेक्टर ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से डायरेक्ट किया है और ऊपर से कोरिया की इमेजिनेशन मानना पड़ेगा। हर एक एपिसोड का एंडिंग देख लेने के बाद नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। ऐसी सीरीज को देख लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीरीज को बीच में छोड़ दें। जैसे जैसे गेम का क्लाइमेक्स आता है वैसे वैसे हमारे हार्ट बीट का मीटर बढ़कर पीक पे चला जाता है। ऐसी सीरीज को अभी
तक नहीं देखा तो आप अभी जाकर देखिए। नेटफ्लिक्स की कमाल की हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। I am conflicted, watching where I step still, hang